तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एडमॉब से पैसे भी कमा सकते हो। उसके साथ साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फायरबेस के बारे में, किस तरीके से आप लोग फायरबेस से अपने एप्लीकेशन के एड यूनिट आईडी को भी चेंज कर सकते हो। उससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन, उसमें किसी ने इनवैलिड क्लिक कर दिया, मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश किया, उसके बाद आपके किसी हेटर्स ने या इनमिनी ने जो है आपके एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा क्लिक कर दिया कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। तो उससे होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, उसको फिर आपको अपडेट करना पड़ता है, फिर प्ले स्टोर पर डालना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग जो है एड यूनिट आईडी को चेंज कर सकते हो। बेसिकली एड यूनिट आईडी का चेंज करना और उसका इस्तेमाल करना आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को देखते हो तो आप लोग को AI फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग अर्निंग भी 100% कर लोगे यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे वीडियो में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और Paytm कैश है, मैं 10 लोग को जो जिनका कटम कमेंट सबसे अच्छा लगेगा 50 लोगों को मैं जो है Paytm कैश भी दूंगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से आप लोग यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पे इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप लोग सीख सको किस तरीके से फायरबेस का इस्तेमाल करते हैं और उससे आप लोग बिना एप्लीकेशन को छुए अपनी एड यूनिट आईडी को बंद कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई इनवैलिड क्लिक कर रहा है तो आप लोग उसको बंद भी कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हो, चाहे अर्निंग ऐप के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ओपन कर लेना है blog2code.com। अब ये भी जो है थंकेबल की तरह होता है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ईजी पड़ेगा एड यूनिट आईडी चेंज करने के लिए। तो blog2code.com को ओपन करने के लिए सिंपली आप गूगल पे आ जाइएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है blog2code, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा मेक योर ऐप विदाउट कोडिंग। तो अब ये एप्लीकेशन जो है जब आप ओपन कर लोगे तो आपको बाकी सब कुछ तो पता होगा। यहाँ से स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप पहुँच जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पे मैं सिंपली ये नहीं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे बनती है, यहाँ पे पर्पज़ ये है कि फायरबेस से कनेक्ट करके किस तरीके से एप्लीकेशन चेंज करते हैं और अच्छे खासे आप पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए ये नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एडमॉब का। एडमॉब के साथ यहाँ पे पूछ रहा है पैकेज नेम, तो यहाँ पे हम लोग com.admob का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन होने वाला है, 1 2 3 ओपन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आप जानते हो। आपको एडमॉब एड यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको फायरबेस को ओपन करके रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ठो बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ठो बटन रख दिया, इसको यहाँ पे हटा दिया। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे जिस तरीके से एप्लीकेशन बनाते हो उसी तरीके से एप्लीकेशन बनाना। ये सिर्फ मैं टेम्परेरी बता रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसके साइजिंग को चेक कर लीजिएगा कि साइजिंग जो है फिक्स, ये जो है ये फिक्स नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वरना आपके एड्स जो हैं वो शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जिस तरीके से एप्लीकेशन बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया किस तरीके से एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बैनर ऐड का इस्तेमाल कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल ऐड का, दोनों ऐड का मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ एग्जांपल। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे दोनों जो है वो लग चुके हैं। तो सिंपली अब आपको क्या करना है वो आप देख लो। यहाँ पे हम लोग मोनेटाइजेशन से हटा के यहाँ पे गूगल वाले पे आके यहाँ पे फायरबेस DB लिखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे फायरबेस आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है। उसके साथ साथ आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा लेबल। तो लेबल चलिए एक हम लोग लेबल भी ले लेते हैं ताकि हम लोग को ये पता चलता रहे कि कौन सी एड यूनिट हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे एक तो लेबल भी हम लोग ने ले लिया। अभी आपको क्या करना है, ब्लॉक में आ जाना है। ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि वन स्क्रीन किस तरीके से इंटरलाइज करवाया जाता है। तो यहाँ पे चल के हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं और फिर चलो शो, ठीक है, ये लोड करवाना है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल ऐड है, ये भी आ जाओ भाई। तो चलो इसको भी जो है यहाँ पे लगा देते हैं तो ताकि हमारी स्क्रीन ओपन हो जाए तो ये चल जाए। सॉरी, इसको यहाँ पे हटा के हम लोग इसको क्या करते हैं, बटन में लगा देते हैं। तो यहाँ पे बटन में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे इसको लोड करा देते हैं। लोड कराने के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा शो एड्स।
तो चलिए यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हमारा रख गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर एक बार और क्लिक करना है और यहाँ पे जो है शो एड्स जो है बैनर एड्स वाले में देख लेते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे अभी आपका काम जो है ख़त्म हो गया, आप सिंपली आपका जो मेन काम होता है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए अभी हम लोग जो है यहाँ पे फायरबेस पे क्लिक कर लेते हैं। फायरबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा डेटा चेंज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा ठीक से देखना है किस तरीके से यहाँ पे किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आ जाना है आपको कंट्रोल पे, कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे इफ़ और डैट जो है वो आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ों को यूज़ करना है और बाकी की चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए ये सब जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप लोग सही से इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लॉजिक पे आ जाना है। लॉजिक पे आने के बाद आपको ये दिख जाएगा, तो सिंपली आप जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे लगा दीजिएगा। यहाँ लगाने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है क्लिक कर लेते हैं टैग पे, यहाँ पे गेट टैग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया गेट टैग, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स पे आ जाना है। टैक्स पे आने के बाद हम लोग इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे नेम लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये चीज़ें आप गलत नहीं करिएगा वरना आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैनर। बैनर मिलने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी दिख रहा है, आप जो है इसको उठाइएगा और इसको जो है एक मिनट आपको जो है इसको इसके नीचे जो है रख देना है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आ जाना है ये गेट वैल्यू पे एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग गेट वैल्यू पे आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपने ये जो लेबल लिया था ताकि आपको दिखता रहे कि आपने कौन सा लेबल जो है यूज़ किया है। तो लेबल हम लोग को टैक्स वाला चाहिए, तो लेबल वन टैक्स, ठीक है। आप जो है इस तरीके से यहाँ पे इसको रख दीजिएगा और फिर ये जो गेट वैल्यू है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको जो है एक और चलिए गेट वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे गेट वैल्यू वाला लेके इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, आपको डिफ़िकल्टीज यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग एक बैनर ऐड का आपने क्रिएट कर लिया। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपका इंडस्ट्रियल ऐड भी आपकी ऐड यूनिट चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर से कंट्रोल पे आ जाना है। आने के बाद हम लोग यहाँ पे इस पे ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसको उठाते हैं, अटक गया। तो इसको यहाँ पे हम लोग इसको उठाते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे लगा लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को साफ दिखे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरीके से क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोबारा आना है लॉजिक पे। लॉजिक पे आने के बाद जो है आप लोग इसको कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद यहाँ लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे ये जो टैग है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा दीजिएगा। फिर ये आपको एक ये है तो इसको हम लोग डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद यहाँ पे नेम को इसको चेंज करके हम लोग लिख देते हैं न्यू, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है अपनी इंडस्ट्रियल आईडी पे। इंडस्ट्रियल पे आने के बाद यहाँ पे ऐड यूनिट वाला आपको सर्च कर लेना है, जो कि आपको ये यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसको उठाना है, ये हम लोग इसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो इस तरीके से रखने के बाद जो है आपको दोबारा ये जो गेट वैल्यू लिखा है ना, बस इसको यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिएगा। और लेबल वाले के लिए भी प्रोसेस यही है, सिंपली आपको एक और लेबल क्रिएट कर लेना पड़ेगा वरना एक ही में शो होगा। तो चलिए हम लोग एक ही में कर देते हैं ताकि एक बार अगर वो यूज़ करे तो एक बार वो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसको उठाते और इस तरीके से यहाँ पे इसको लगा देते हैं। बाकी आप लोग लेबल एक और क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ईजी रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो मेन प्रोसेस था वो ब्लॉक वाला वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, डिज़ाइनिंग पे आ जाना है। डिज़ाइनिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे पता है कि आपको यहाँ पे एडमॉब की आईडी लगानी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल आईडी लगानी है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप उसको लगा लीजिएगा। यहाँ पे अब आता है फायरबेस का टोकन, फायरबेस यूआरएल और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। अब चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फायरबेस पे आ जाना है, यहाँ पे गो टू कंसोल पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका ओपन होगा। तो सिंपली आप जो है फायरबेस में आने के बाद यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ
सारा चीज़ मैं आपको ए टू जेड बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा फायर बेस जो है वो बस ओपन होने वाला है, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आपको फायर बेस का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आप लोग बिना एप्लीकेशन को हाथ लगाए उसकी ऐड यूनिट आईडी को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको पता होगा किस तरीके इसका यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपको इसकी फाइल चाहिए होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आप लोग को पहुँचा दूँगा, लेकिन आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे चलिए हम लोग प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे डाल देते हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल किया था हम लोग ने। यहाँ पे एडमॉप लिख दिया, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी चलिए यही डाले रहने दीजिए। यहाँ आते यहाँ पे इसको आके नीचे एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका मुश्किल से एक मिनट के अंदर ये जो है हो जाता है कंप्लीट। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं, हर एक चीज़ लाइव कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये ना हो कि समझ में ना आए कि भाई ये कैसे क्या करना है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है, तो क्रिएट होने के बाद आपको इस तरीके से ये दिखेगा फायरबेस। यहाँ पे बहुत कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कुछ ट्रिकी होता है जिसका आप इस्तेमाल करके अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आ जाना है क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करके, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इनेबल करने के बाद जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फायरबेस में थोड़ा लोडिंग लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर आपका फायरबेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बस ये हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट ही हो रहा है। तो हमारा ये जो है डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे आ जाना है आपको, यहाँ पे चलिए रियल टाइप भी लगा देते। यहाँ पे अभी आपको एक और चीज़ एडिट करना है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे भी काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं बारीकी से हर चीज़ बता रहा हूँ तो आप लोग सही से इसका इस्तेमाल करिएगा, गलत तरीके से यूज़ नहीं करिएगा। अभी यहाँ पे आपको ये फॉल दिख रहा है तो चलिए इसको काट लेते, काट के यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ट्रू कर देते। तो यहाँ पे आपका जो दोनों है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रू कर दिया, ट्रू करने के बाद आप यहाँ पे इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद जब हो जाएगा आपका ये, तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा पे आ जाइएगा। डेटा पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका यूआरएल। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे ये नेम पूछ रहा है, तो नेम का हम लोग को क्या करना है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपने यहाँ पे खोला या ब्लॉक पे गए, तो ब्लॉक में आपने ये जो दिया है, ठीक है, ये आपने देखिए पहले वाले का नेम लिखा है, दूसरे वाले का न्यू लिखा है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे, पहले वाले में हम लोग नेम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख लीजिएगा, फिर ऐड करिएगा। तो चलिए एक और क्रिएट कर देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको जो है आपको यहाँ पे डाल लेना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा एडमॉप, ठीक है, यहाँ पे एडमॉप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे एडमॉप लिख देते हैं। एडमॉप लिखने के बाद जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए ये हम लोग का रिफ्रेश हो जाता है, तो यहाँ पे चलिए एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इसको काटते हैं, पहले यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम। नेम लिखने के बाद ऊपर जो है इसको यहाँ पे ऐड मॉप कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ये सेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको मिल रहा है यूआरएल, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डिज़ाइनर पे आ जाना है। डिज़ाइनर पे आने के बाद आपको जो यूआरएल मिला है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा यूआरएल। यूआरएल पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये टोकन, ठीक है, इसको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोकन ही से जो है आपका वो सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा माउस जो है वो ग्लिच कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद आपको दोबारा आने के यहाँ पे टोकन में जो है इसको पेस्ट कर देना है।
तो इस तरीके से यहाँ आप लोग इस तरीके से एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो और आपका फायरबेस में चेंज भी हो जाएगा। तो सिंपली जो है इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, काफ़ी इजी स्टेप है इसको क्रिएट करना। तो चलिए, बाकी आपको जो है यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिंग हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा डाटाबेस, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ले लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या नेम लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्रैकेट में यूज़ किया है एडमो, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे उतार देना है। कुछ भी कैपिटल लेटर ये सब मत करिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जिससे कि आप यहाँ पे जो नेम है वो आप कहाँ मिलेगा नेम, आप यहाँ पे जो ब्लॉग है आपको, जैसे आपको बैनर का चाहिए तो यहाँ पे नेम इस वजह से यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे नेम आपको जो दिख रहा है जिस तरीके से दिया वो उसी तरीके से आप लिखिएगा, कोई भी इसमें 3-5 नहीं करेगा वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको क्रिएट कर लेना है। वैल्यू को आपको यहाँ पे ब्लैक छोड़ देना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दोगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो आपको वैल्यू है उसमें आपको यूज़ करना है अपना एडमोब ऐड यूनिट। तो वो कैसे होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। पहले उससे पहले यहाँ पे एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिख देना है एट मॉब, ठीक है। और एड मॉब इस वजह से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ये है, ओके, जो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बकेट है यहाँ पे मैंने एड मॉब का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एड मॉब। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था नेम, ठीक है। नेम यूज़ करने के बाद यहाँ पे आती है वैल्यू। अब वैल्यू किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नोट पैड में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे नोट, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है नोट पैड ओपन हो गया है। और इसको थोड़ा यहाँ पे इसके साइज़ को भी जो है देख लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारी जो बैनर की एड यूनिट आईडी है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे बैनर ये ओपन हो गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद जो है थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता तो अच्छा लगता, एक मिनट, ताकि आप लोग को यहाँ पे सही से दिखे, यहाँ पे बड़ा नहीं होगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारी ऐड यूनिट आईडी है वो इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से लिखना है वो आप लोग सही से देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने गलत तरीके से करता है, इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। तो सिंपली इसको करने के लिए यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लगाना है हैश, डबल इनवर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे आपको स्लैश का इस्तेमाल करना है। तो स्लैश, यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल करिए, उसके बाद जो है दोबारा जो है इनवर्टेड कॉमा लगाइए, उसके बाद जो है आपको अपनी ऐड यूनिट आईडी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसको यहाँ पे थोड़ा जो है वो चेंजेस करने हैं। तो वो चेंजेस क्या करना है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको ये जो दिख रहा है इससे पहले 5 के पहले, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे स्लैश लगा है वहाँ पे डबल स्लैश लगा लीजिएगा और फिर 1 रहेगा। उसके बाद लास्ट में जो है इसका मैंने एग्जांपल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप लोग गलत कर दोगे तो आपका शो भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 बार जो है इस्तेमाल करना है ताकि आपके एड जो है वो सही से शो हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो है इसको जो है सही तरीके से कर दिया है ताकि हमारे एड्स जो है वो परफेक्टली शो हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है। चलिए हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है आपको यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर अपने वैल्यू में इसको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। और इसका अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको यही चीज़ कर देना उसके बाद आपका क्रिएट हो जाएगा। तो होप आपको आज को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक्स वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो तब के लिए बाय।